बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? अल्लाह ताला के फजल करम से आज यहाँ 20वां रोज़ा है माशाल्लाह। तो मैं कभी आप लोग के साथ लोग शेयर करती हूँ शेयर, और कभी जो है वो बस जब ड्यूटी होती है फिर नहीं करती। तो ये जो है मैंने चिकन बॉईल किया है आज। मैंने सोचा कि चिकन, एक मैंने ऐसे आलू भी डाल लिए, तो चिकन और आलू के समोसे मैंने कहा बना लूँ, वही समोसा रोल से, समोसा पट्टी जो होती है ना, तो मैं इसको भी शट करती हूँ ना बॉयल चिकन को, खल्ला बहुत गर्म है। अच्छा, तो आप लोग बताएं कैसे रोज़े गुजर रहे हैं? अल्लाह के फजल करम से अच्छे गुजर रहे होंगे। गुज़र जाता है, हर टाइम गुज़र जाता है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला हमारे रोज़े सब हमारी बातें कबूल फरमाए और हमें तौफीक अता फरमाए। अभी तो लास्ट अशर आ गए हैं, तो अब इसमें जो है ज़्यादा इबादत की ज़रूरत है। आज मेरी छुट्टी थी तो इसलिए देखे ना, वो 13-14 के बाद जो है ना अब मैं ब्लॉग बना रही हूँ। उसमें एक ब्लॉग से मैंने सोचा कि ब्लॉग बना लूँ, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। फल बहुत गर्म है, ठंडा हो जाए तो मैं उसको मिक्सअप करती हूँ बाकी चीज़ें भी और बनाती हूँ। ये देखिए, मैं समोसों के लिए स्टफिंग तैयार कर रही हूँ, चिकन समोसों के लिए। पहले मैंने ज़ीरा थोड़ा सा सौते किया, ज़ीरा मैंने इसमें डाला, उसके बाद चिकन, एक प्याज, हरी मिर्च, अपने इसमें जैसे नमक तो मैं उसमें भी डाल चुकी थी बॉयल करते वक्त भी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नमक और काली मिर्च, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर, ये सब 1 टीस्पून मैं इसमें डालती हूँ। थोड़ा सा इसको लगा गोल्डन सा करती हूँ, ताकि प्याज जो है ना इसमें पक जाए, फिर अच्छा सा लगे। ये देखिए, मसाले मैंने डाल लिए इसमें जो मैंने आप लोगों को बताया अभी, बस ये जो है रेडी है, इसको ठंडा होने के लिए रखती हूँ मैं इसे, और समोसे बनाती हूँ और इसमें फिलिंग पर यही फिलिंग जब ठंडी हो जाए थोड़ी डालती हूँ, बस ये रेडी है। ये देखिए, इसमें मैंने धनिया भी डाल लिया था फिर, ठीक है। और यहाँ पे हमें पेस्ट बनाना है, मैदे में थोड़ा पानी हम डालेंगे, लेकिन थोड़ा पानी, ज़्यादा भी नहीं, स्मूथ सा पेस्ट होना चाहिए, इसलिए कि ये समोसों की जो बाइंडिंग होती है ना, इस पेस्ट के बगैर बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर आप सोचें कि वही सिंपल पानी के साथ हो जाएगी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। देखेंगे आप लोगों ने समोसों की, समोसा पट्टी है या ना, तो इसकी अगर शेप देखनी है तो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। पहले मैं सिखा चुकी हूँ लेकिन दोबारा सिखाती हूँ। ये देखें, इसको ऐसे रखें स्ट्रेट, अब इसको ऐसे फोल्ड करें, काफ़ी फोल्ड करना है। अच्छा, ऐसे फोल्ड, यानी इतना फोल्ड किया, फिर इसी को फिर से फोल्ड किया। मेरे ख्याल इससे भी ज़्यादा फोल्ड करते हैं ताकि समोसों वाली शेप आए। देखें, अब समोसों वाली शेप आ रही है, इतना फोल्ड किया, फिर उसके बाद इसी को फिर फोल्ड किया, ठीक है। अब बस ये पाउच बन गया है, इस पाउच में मैं फिलिंग करती हूँ। देखें, इसको ऐसे रखें, ये देखें फिलिंग हो गई, काफ़ी काफ़ी है, बस ये फिलिंग, ओवर फिलिंग भी नहीं कर रही। अब यहाँ पे
ये जो है पेस्ट, ये आप लगा लें, देखें ठीक है, ऐसे कर लें, अब इसको ऐसे कर लें, फिर से कोट कर लें ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसको ज़रा ठीक करना है, ऐसे कर लेते हैं ताकि समोसे की शेप सही आए। डिफरेंट तरीके हैं वैसे, बहुत वैसे ज़रा टेक्निक से करना होता है। ये देखिए ये भी, और यहाँ पे ज़रा हो गया तो इसको मैं यहाँ पे बंद कर देती हूँ। ठीक है, ऐसा एक बन गया। दूसरा लिखूं, फिर से भी आप फोल्ड कर सकते हैं थर्ड टाइम भी इसका। अच्छा नहीं, फिर से मैं शुरू करती हूँ। देखें ये ऐसे है ना, इसको मैं फोल्ड बनाती हूँ। ये हो गया ना ठीक है, अब इसको फिर से फोल्ड कर, और सब बन गया ना। फिलिंग डालें, यहाँ पे मैं ये सारा पेस्ट लगाती हूँ। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त बन गया। ये तो बहुत ज़बरदस्त बन गया है, बस इसी तरह से सारे बनाते जाएं, बनाती हूँ। ये देखें मेरे खूबसूरत, बहुत अच्छी शेप आई है आज। ये देखें आप कुकिंग के साथ शौक रखते हैं ना, तो हर चीज़ मतलब बहुत खूबसूरती से बन जाती है, बस शौक होना चाहिए हर चीज़ में। माशाल्लाह तो ये जी मेरी अफ्तारी बन चुकी है। ये है समोसे, ये मैंने कुछ मतलब ऐसी रोल से बना लिए, लेकिन ये इसके पर मैं शहद डालूँगी, फिर स्वीट रोल हो जाएंगे। ये है मेरे जी रूह अफ़ज़ा, इसमें मैं डालती हूँ नींबू। बस अफ्तार का वक्त होने वाला है,
जी ये है जी लोबिया चाट, चटनी, फ्रूट चाट और खजूर। तो बस मेरे ख्याल में काफ़ी, मैंने तो अपने लिए पार्टी कर लिया आज। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। दुआ में याद रखिए, और रमज़ान का आखिरी अशरा है, एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे को गले लगाएं, माफ़ करें दूसरे की गलतियाँ, और बस अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करें। और जैसे कि अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में जो है यही दुआ बहुत है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, यानी अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे और सबको भी आप माफ़ कर दें, ठीक है, जिसके कदूरत वगैरह कुछ भी दिल में ना रखें, ठीक है। आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त, और इफ्तार का टाइम बस आने वाला है, अगले ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।